अरे यार, फिर से वही पुराने वीडियो। तुम यार ये वीडियो वीडियो शूटिंग वगैरह छोड़ो, तुम्हारा ये काम नहीं है स्टूडियो लाइन का। तुम एक काम करो, अपना वही मॉडलिंग में फिर से चले जाओ और ये मंगेरी लाल के सपने छोड़ो। जो हमारा पुराना क्लाइंट है ना प्रिंस, वो आने वाला है। उसका डाटा बाउंस हो गया कि नहीं, डीवीडी डंप किया? अच्छा, प्रिंस आ रहा है? हाँ, प्रिंस आ रहा है ना, अभी उसका काम करना है ना। अच्छा, उसका प्रोजेक्ट रेडी करो। ठीक है, मैं डीवीडी रेडी करता हूँ। हाँ, जल्दी करो मंगेरी लाल। सॉरी डॉक्टर सेन, आपके घर में डिस्टर्ब किया, लेकिन मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने आपको। इट्स ओके, एनीवे मैं घर में किसी को मिलता नहीं, बट यू सेड इट्स अर्जेंट, सो टेल मी व्हाट्स द अर्जेंसी। हे प्रिंस, यार वो फाइल, अरे क्या कर रहा है यार, वीडियो देख रहा है? हाँ यार, तू अभी भी मॉडलिंग कर सकता है यार, तूने अचानक इस पूरे प्रोफेशन से ही नाता तोड़ दिया। व्हाई? यू डोंट नो माय वाइफ। तो वो बहुत शकी मिजाज की है। वो 24 घंटे शक करती है। तो यार वो नैरो माइंडेड है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है ना यार। यार यू हैव टू एक्सप्लेन दैट टू हर। डॉक्टर सेन, कई दिनों से, इनफैक्ट कई महीनों से मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे हॉरिबल ड्रीम्स आ रही है जो मुझे सोने नहीं दे रही। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मुझ स्लिपरी हो रही है। मैं किसी चीज को हासिल करना चाहती हूँ और मैं फिसल रही हूँ। आई एम नॉट फाइंडिंग ग्राउंड, आई एम स्केयर्ड। देख, मैं बताऊँ, देख ऐसा है
कि औरत जो है ना वो कहीं ना कहीं उनकी साइकी ये होती है कि हम पूरी तरह से आदमी को कब्जा लें टिल द टाइम दे डोंट कॉन्कर अ मैन दे कीप ट्राइंग इट. वो सेवा भी करेंगी, वो सेड्यूस भी करेंगी, वो आपको बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना अपनापन भी दिखाएंगी, लेकिन जिस दिन आप उनके पूरी तरह उनको विश्वास हो गया कि भाई अब ये कहीं नहीं जाने वाला, ये अब हमारा हो गया है, उस दिन के बाद आप देख लेना कि वो मतलब दे विल रन रूल ऑल ओवर यू. विनी, हाउ इज योर सेक्स लाइफ? मींस आई मीन आर यू हैप्पी? इज इट active or like now and then? It's okay, I guess. Let me ask you something more straight and direct. Do you look forward to having sex with your husband? No. I'm being intimate, but ye bata, teri sex life theek hai kya uske saath? You know, man. Yeah. Agar main subah uthta hu. अपन का मन करता है यार, यू नो, तो फिर छूता उसको तो नेचुरल है यार, सुबह का इरेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, वो धक्का मारते मेरे को पीछे यार. व्हाट इज दिस? सुबह सुबह ऐसी कंप्लेंस, 5 मिनट 10 मिनट बस इतना ही कर पाओगे ना? बस इससे ज्यादा तो नहीं. 5-10 मिनट का मतलब क्या? जितना कोयसा लग क्या हो उसमें बैटरी लगाएगा, मोटर लगा के चलेगा क्या? उसने ट्रिपल ए मूवीज तो नहीं देख ली? शावर सारे वो 2-2 घंटे रहते हैं यार. इंटरनेशनल एवरेज जो है ना वो 3 मिनट की है. अगर तुम 5-10 मिनट कर रहे हो तो तुम तो सारे काम कर दो भाई. Winnie, the problem is not with you. You have what we call in medical terms anorgasmia. It's a state in which a woman fails to achieve orgasm. क्या सेठ, फिर से ताक चाक शुरू कर दी तुमने? और कुछ काम धंधा तो है नहीं, और ये मुझे मालूम है किसकी वजह से हो रहा है ये सब. वो मिक्की की वजह से हो रहा है, मिक्की का इन्फ्लुएंस है तुम पर. और क्या सेठ, प्लीज उसका साथ छोड़ दो यार. विनी, ही इज माय स्कूल फ्रेंड, कम ऑन. व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड इज ही? हां, घर में आता है नंगा घूमता रहता है. हाउ अनसिविलाइज्ड ही इज. तुम तो बिल्कुल मिक्की के पीछे पड़ गई हो, और तुमने उसको तो घर में आके बंद कर रखा है. क्यों ना करूं यार, उसको मैं घर में भी नहीं मिल सकता. मेरा घर है, मैं ऐसे लोगों को घर में नहीं घुसने दूंगी. दुनिया की कौन सी बुरी आदत नहीं है उसमें बताओ? शराब वो पीता है, लड़कीबाजी वो करता है, गांजा चरस अफीम, क्या बुरी आदत नहीं है उसमें? और मैं नहीं चाहती कि तुम भी वैसे हो जाओ. यार तुम्हारे दिमाग में ना उसको लेकर गलतफहमी बहुत ज्यादा. अगर वो करता तो उसकी लाइफ है ना वो. तो मुझे ये सब, आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ लाइफ. तुम्हारे दिमाग में तो बस पता नहीं कभी शक कभी मिक्की, पता नहीं क्या चलता रहता हमेशा. सेठ, आई एम वार्निंग यू, दिस इज द लास्ट टाइम. अरे तुम तो बस अपना दिमाग है. मुझे नहीं चाहिए ये सब बकवास. या तो तुम मिक्की को छोड़ दो या मुझे छोड़ दो. मिक्की, तूने कलर से पैसे लेके अच्छा नहीं किया. देख भाई, तुमने 1 महीने में पैसा लौटाने का वादा किया. वो बंदा बहुत खतरनाक आदमी है, मैं उसके से पंगा नहीं ले सकता. तू मेरा दोस्त है इसीलिए मैं तेरे को समझा रहा हूँ. अब महीना खत्म होने आया है, सोच ले तू, अब ये पैसा जल्द से जल्द लौटाना पड़ेगा. जल्दी लौट आएगा तो अच्छा है, नहीं तो मेरे ऊपर आएगा और मैं छोड़ूंगा. Yeah? Where is my money?
no money. Bluff? Yeah. Why bluff? Bluff. What's in this? Immediately, Bangkok! No. Yes, or I kill you! What do you prefer? Seven days? 7 days, no more! तो फंस गया, खुद जाएगा तो तू पकड़ जाएगा। कस्टम में आजकल मॉस्टिक चल रहा है बॉस, इम्पॉसिबल। और मेरा बॉस कार्लोस बहुत डेंजरस आदमी है यार, मेरे को भी डर लग रहा है यार। तो मैं क्या करूं अभी? कौन बोलता तेरे को जाने के लिए? मैं थोड़ी बोलता हूँ तेरे को जाने के लिए। कोई पकड़ा पकड़ ले, हो जाएगा। लड़की के साथ वो तो मेरा हमेशा लगा था। मिली थी एक, दो दिन लेके घुमा, अंजुना गया, बागा गया, वागातूर वो साइड में पूरा घुमाया। शाम को लेके आया घर पे यार, रेस्टोरेंट में खाना पीना खाया, 8:30 बजे उसका बॉयफ्रेंड आया। क्या बोलो यार। अच्छा, यहाँ पे कोई थाईलैंड से टूरिस्ट है क्या? थाईलैंड से? हाँ। मेरे को नहीं लगता थाईलैंड वाले हैं यहाँ। ऐसा क्यों? नहीं, कुछ काम का बस पूछताछ कर रहा हूँ। छोड़ो यार, वो अपना जॉनी भाई को पता होगा। कोई जॉनी भाई को पता हो सकता है। हाँ, हो सकता है। उसे ट्राई करो, उसको मालूम रहेगा। बात करने से दिस बॉक्स टू बैंकॉक 7 days। ये तुमको थाईलैंड क्यों जाने का? मुझे नहीं जाना है। मुझे वैसी लड़की चाहिए जो थाईलैंड जा रही है। तू कुरियर में भेजे क्या? फ्लाइट में जाने का क्या? समझ नहीं आया तुम्हारा आइटम क्या है? एक काम कीजिए, कोई भी लड़की जो बैंकॉक जाने वाली हो उसे मेरी सेटिंग करा दो बस। क्या मैं बड़वा लगता है तुमको? नहीं जॉनी भाई, आप तो गोवा के किंग पिन हो। आपके बिना गोवा सुना सुना लगता है। मैं तुमको बताएगा। हाँ देखो, वहाँ हिल टॉप पे जाओ, वहाँ पे एक साइलेंट नॉइस पार्टी है, बहुत ही गंदी होती है, हो सकता है वहाँ तुम्हारा काम हो। English, no understand. One minute, excuse me. Yep. Please help me. I don't speak English. Hello, madam. गाड़ी मॉल के गेट पर, आप कहाँ पर हो? गाड़ी नहीं आई तक? अच्छा, गाड़ी खराब है मैडम को बोलना है। कार, your car, yeah, is problem. Oh no, really? Yeah. Oh my god, where you want to go? I need you going. Yeah, where? Hotel. My hotel. You have take acha, I drove you there. Okay, no problem. I drove you there. Come. Okay. Yeah, come in. Yeah, Mr. Patel. Yeah, Vinny, मुझे बुलाया। Yeah, Vinny, come and sit. Mr. Patel, वो आइकॉन के डील के बारे में। अरे बाबा, वो आइकॉन का प्रॉब्लम छोड़ो, मैंने उसके लिए तुम्हें यहाँ बुलाया नहीं है। तो सर, नहीं, एक्चुअली क्या है विनी, हमारी जो कंपनी है मिदास टच इन्वेस्टमेंट्स, पिछले 6 महीनों में कोई बिजनेस नहीं कर पाई है। सर, यू नो द रीजन। लिसन टू मी। इसलिए मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं यह कंपनी बेच रहा हूँ। सर,
What does that mean? बेच रहे हैं मतलब? अच्छा लिसन, मेरा एक दोस्त है, वो इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और मुझे अच्छी प्राइस ऑफर की है उसने. सर पर हाउ कैन यू सेल द कंपनी? तीन साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं इस कंपनी को इतना बढ़ाने में सब. नहीं नहीं, बेहतरी इसी में होगी. एंड मेरा सजेशन रहेगा कि तुम एक नया जॉब ढूंढना शुरू कर दो. सर 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 मैंने होम लोन लिया है सर, और कंपनी से भी कुछ लोन लिया है सर. हाँ हाँ, इसे याद आया, इसे याद आया. तुमने कंपनी से कुछ 20 लाख का लोन लिया है, उसमें से तुमने अभी तक तकरीबन 5 लाख रुपए रिटर्न किए हैं. तुम्हारा कुछ बैलेंस है 15 लाख, तो यानी तुम्हें ये 15 लाख एक महीने के अंदर कंपनी को रिटर्न करने होंगे. सर हाउ कैन आई डू दैट? एक महीने सर, एक महीने में सर मैं कैसे? विनी, मेरी बात सुनो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है. मैं तुम्हें एक महीने की मोहलत दे रहा हूँ, इज दैट क्लियर? Sorry, I mean, last time I couldn't call you back. I was busy. Okay, no problem. So, how are you? Very good. You have meet today? No, I'm free. Will you have coffee with me? Yeah, sure. Where? Shopping mall. Shopping mall? Yes. The last time? Yeah. Okay, great. So what time? 3 o'clock. 3 o'clock? Uh-huh. Oh, okay. So I see you there? Okay. Bye. Mr. Patel, why do you want to sell the company off? You know that we're getting the Icon deal. Vinny, I don't want you to do any kind of stuff right now here, okay? So, you don't understand Portuguese, so what are you going to talk about? See, Vinny, I have no time. I've come here to sell off the company. Don't do that, Mr. Patel. It's just a matter of time. Just give me some time. You were supposed to get me the Icon contract. Where is the Icon contract? Sure, Mr. Patel, that's what I'm working on. Then get me the contract. Then get me the contract. That's it. Look, Mr. Patel, just... If I get the... contract. Please stop this nonsense. Please, sir. You get me the contract, we are in business. So, when is your father, padre, coming to Mumbai? Next week. Next week. Okay. So, we have 7 more days to go and you have 7 more days to perform, okay? Sure. Hi, I'm Tia. Hi. Mickey, right? Yeah. How do you know? Actually, I'm into modeling. So, I was just going around, you know, and मैंने आपको देखा, and I'm like super excited to meet you. You know what, I've seen most of your shoots, matlab, in all magazines. I follow your work and I'm really impressed. Yeah. I mean, the way you shoot models, they look so good. I mean, it's unbelievable. And it's a dream for all models, you know, to work with a photographer like you. Yeah. So... Tia, right?
Tia, I'm a little busy right now. So... Okay, sir. No. I'll catch you up later or something. Okay. And you can add me on Facebook or something and I'll keep in touch or something. Yeah? Yeah. Okay. Thank you. Bye. Cheers. सेठ, मैं बैंगलोर जा रही हूँ 2-3 दिन के लिए. सडनली बैंगलोर? Why? हाँ, some urgent work has come up. I need to leave. For how long? Just for 2-3 days. And please, मेरे पीछे से किसी पे मुंह मारने की जरूरत नहीं. And don't make a mess around the house. Okay? Just take care. Bye. Bye. So, Mickey, which brand will we be shooting? Brand actually, Tia, it's going to be a magazine shoot. Thailand में एक international magazine है. Yeah. और उसका shoot का reference मैं इधर कर रहा हूँ. So like, what is the concept? Concept actually, clients ने मुझ पे छोड़ दिया है. तो when I saw you, the way you move, the way you are, the way your body is, I could picture a Adam and Eve kind of a concept, you know? Yeah. Oh yeah. So, like, who will be Adam? Sid. Oh, Sid? Sid, हाँ. Sid, Mumbai से है, अच्छा मॉडल है, Sid. Yeah? So right now he's in Goa? आएगा. And one more thing, Tia. Yeah? Tia, I don't want to get your hopes high or anything, you know, but once this reference shoot is done, और अगर clients को तुम्हारी photos पसंद आ गई, तो you might have to go to Thailand. Probably sign a contract with them for a year. Yeah? And you will be working from there. Magazine shoots, print shoots, holdings, yes sir. And partly and mainly it will be because of Mickey. See Mickey, jo bhi main kar rahi hu, it's all because of you. Like, you know, I know like you are the best and you'll show me in the best way. So, it's all because of you. And I just hope मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा हूँ टिया और you owe me a big one. I hope you know that. Yeah, you so do. Pick up the phone, pick it up. Hey bro, what's up? Hey, mere bhai, what's up, how are you? Good, kaise bro? All well, buddy, you know what, I'm in Goa. Goa mein? Wahan kya kar rahe? Maze le raha hu yaar, aur kya? Tu to saale hamesha maza leta hi hai. Lekin tujhe bahut miss kar raha hu, Sid. Missing me? Something fishy, huh? Sudhega nahi. Acha sir, haan? Tu Goa aa jana. Goa kab? Have a big surprise. Surprise? Haan yaar, surprise. For me? Haan yaar, just get here as soon as possible. As soon as possible? Caps lock, ASAP. Tu kab tak hai? Arre wo sab chhod na tu, aa ja mere bhai, please. Chal theek hai, main tere confirm karta hu, theek hai? Haan, okay. My bro, Sid. Arre aa ja. Kaise ho mere bhai? Main mast hu yaar, tu kaisa hai? Aa ja, baith ja. तेरा ही इंतजार हो रहा था, आजा। So finally I met you bro. तो बीवी को क्या बोला है? अरे वो घर पे थोड़ी ना यार, बोल कर आऊंगा, वो आने देगी मुझे, तेरे को लगता है? तो इसका मतलब तू अभी तक मुंबई में ही है? अरे घर में कुत्ते की तरह रखते हैं, पट्टा बांधते मुझे। Sid. लाइफ है मेरे दोस्त, क्या करें? चल एनीवे, और बता। कुछ ना यार, देख यहाँ पे एक रेफरेंस शूट कर रहा हूँ मैं। अच्छा,
क्लाइंट थाईलैंड से, तो मेल मॉडल तू क्यों नहीं बन जाता? तू पागल हो गया क्या भाई? सुन, रेफरेंस शूट तू है। पागल हो गया साले, विन्नी को चला पता ना, तो तू तो गया बेटा। अरे स्क्रू हर मैन, व्हाई डू यू कीप ब्रिंगिंग हर ऑल द टाइम ब्रो? उसका तो मैं सुन सुन के एकदम, आई एम जस्ट फेड अप। अच्छा फीमेल मॉडल कौन है? है यही कहीं छोटी मोटी मॉडल यार, डिस्कवर नहीं हुई है निक्की की लेंस के जरिए। बट सीरियसली शी इज हॉट आई थिंक। तू तो साले छोड़ेगा नहीं किसी को भी, हरामी नंबर वन। अरे योगी, उसको मैंने बुलाया था एक्चुअली। अच्छा अभी? हाँ यार बुलाया था, मुझे पता था तू हाँ कहेगा क्योंकि मैं तुझे जानता हूँ। तेरे लिए मेरी जान है मेरे भाई। अरे यार चीयर्स। चीयर्स ब्रो। हाय मिकी। ओह देयर शी इज टिया, वेलकम वेलकम टिया, दिस इज सिड, सिड दिस इज टिया, प्लीज सिट डाउन। So Sid, he's a good friend and a great model. जब मैंने actually photography शुरू किया, तब इसी का पहला portfolio निकाला था। He got my first paycheck, you know. So, my Adam and Eve, wow, I can picture the concept right now. All right guys, concept तो समझा दिया है तुम दोनों को। Yeah. Adam and Eve का कर रहे हैं। और ये जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है, ये सिर्फ एक रेफरेंस शूट होगा जिसको मैं थाईलैंड के क्लाइंट्स को भेज रहा हूँ। उनको पसंद आ गया तो एक शूट थाईलैंड में हो सकता है। एंड दैट्स अबाउट इट गाइस, सो गिव मी योर बेस्ट, ट्राई टू नो ईच अदर, गेट कंफर्टेबल एंड गेट रेडी। हेलो, नो नो या नो, इट्स टेकन, यू गिव मी 7 days, आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट। कैन आई सिट? ओके। कब से कर रही मॉडलिंग? ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। आई मीन पार्ट टाइम जॉब, कुछ पैसा कमाने के लिए? नो जस्ट कुछ तो, आई मीन पैसा कमाने के लिए सिर्फ मॉडलिंग करती हूँ। तो वो क्या था जब हम लास्ट टाइम मिले थे? आई हैड सम इश्यूज बट अब मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। पैसे देने से मना कर दिया और वापस आने के लिए जिद कर रहे थे। पूरे ऐसे सिचुएशन में थी कि ओनर नेक्स्ट वीक घर से धक्के मार के निकालने वाला था मुझे। एक फ्रेंड को फ़ोन किया कि कोई काम है कोऑर्डिनेटर को जो वहाँ पे था, उसने बोला कि बस जाना है और व्हाटएवर। सो मैं गई तुम्हारे रूम में और अंदर से नहीं हो रहा था कि
कि मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा था जब तुम वॉशरूम में गए तो। हेलो हेलो या हाय प्रसाद, एनी न्यूज? एक्चुअली नॉट। खैर चलो अभी तो फिलहाल हमारे और भी दो दिन है शूट के, राइट? या मोर टू डेज टू द शूट। लेकिन यार मैं उस दिन बाथरूम में मैं बाथरूम में नहा रहा हूँ और एक्साइटेड बाहर निकला एंड आई सी यू आर देयर। टिया कम हियर। केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा रहा है लेकिन आई थिंक मेरे साथ भी थोड़ा केमिस्ट्री कर सकती हो तो यू नो इट कुड बी गुड फॉर यू बिकॉज अल्टीमेटली इट्स गोना बी मी, इट्स इन माय हैंड्स। तो तुम्हारा क्लाइंट्स के साथ क्या होने वाला है उसके लिए भी इट्स गोना बी माय से, सो व्हाट आई एम सेइंग इज जस्ट बी लिटिल मोर कंसिडरेट टुवर्ड्स मी। या And yeah, I think we can both smile together, you know what I'm saying? And our shoot hone ke baad, there's gonna be a party, Mickey style. And I hope you come to my place after that so that we can talk a little and you know what I'm saying, right? Oh bhai, Basni girl, you can go there. What happened? Okay, Sid. Are you ready? Yeah, come on. And it's on. I think the last time Yeah. Client se abhi abhi baat hui hai aur the shoot is on. Huh? Oh wow! Sid, main aur tum high five. Oh, Tia. Oh, wow. Tum dono kab bola? मतलब क्लाइंट्स को तुम पसंद आ चुकी हो, शूट वो तुमसे करना चाहते हैं, मीटिंग तुमसे करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तुमसे बात करेंगे। लेकिन और सॉरी माय मैन, क्लाइंट्स को तो ये पसंद आ गई है तो फिलहाल ये थाईलैंड जाएगी, क्लाइंट से मिलेगी और इस दौरान तेरा सिलेक्शन हो गया तो बता दूंगा। हेलो क्या? एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी गाइस। प्लीज जंप। या अभी तो बहुत टाइम दे दिया, अभी फटाफट ट्रेन पकड़ो और घर आ जाओ। इधर तब से बोल रहे हो आराम 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 करके, दो साल बीत गए अभी तक तुम आए नहीं। हर चीज की खास होती है, लिमिट होती है। I just don't want to listen to anything. Come home fast. Mickey.
हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। Hello? Hello, Mickey? Mickey, can you hear me? Yeah, I can. Hello, Mickey? हाँ बोलो। Mickey, मुझे आपको बताना है कि मैं थाईलैंड नहीं आ पाऊंगी। थाईलैंड टिकट हो गया है, निकलना पड़ेगा जल्दी। I'm trying to tell you कि मैं थाईलैंड नहीं जा सकती। क्या नहीं जाओगी? क्यों नहीं जाओगी? मिकी, अरे तुम नहीं जाओगी तो मैं खलास हो जाऊंगा। What the hell do you think of yourself, huh? Hey, Vinny, तुम कब आए गोवा? सीट किधर है? तुम सिर को लेकर आए हो ना? बोलते क्यों नहीं? Shut up! Stop this nonsense! मेरे सवालों का सही सही जवाब दो। तुम लेकर आए हो ना सिर को? पता है सिर, जब बॉम्बे से गोवा आ रही थी तो कुछ भी नहीं बचा था लाइफ में। करियर तो खत्म हो गया था, मॉडलिंग में कुछ काम नहीं मिल रहा था। उसके ऊपर से मॉम डैड ने सपोर्ट करना छोड़ दिया, पैसे देना बंद कर दिया। फिर सोची कि घर जाके किसी ना किसी अनजान आदमी से शादी तो करनी ही है, तो दो तीन दिन के लिए गोवा होके चली जाती हूँ। यहाँ आई, मिकी मिला, पता नहीं थोड़ी उम्मीद जगी कि शायद जो सपना लेके मैं आई थी बॉम्बे, शायद मैं उसको पूरा कर सकूँ। और मिकी के कारण मैं आपसे मिली, और It's like, जब भी मैं आपके साथ होती हूँ, हम जब भी शूट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मौका जिंदगी को और देना चाहिए। I can't believe, मेरा सिर ऐसा हो सकता है, नंगा नाच रहा था लड़कियों के साथ में, और शराब तो पता नहीं कहाँ तक पी रखी थी उसने। गांव के असूल कुछ और होते हैं और शहर के असूल कुछ और होते हैं। गांव और शहर की बात नहीं है, मिडिल क्लास वैल्यूज की बात है, और उसी में अटक के रह गई हूँ। ना ऊपर जा पाती हूँ ना नीचे जा पाती हूँ, तो बस फंस गई हूँ। मैं किसकी सुनूँ, मैं किसकी करूँ, समझ में नहीं आता। या फिर खुद की सोच के खुद की करूँ तो कोई करने नहीं देता। तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन यही है। सोल्यूशन ढूंढना छोड़ दो, बहुत सी बार ऐसा ही होता है, जिंदगी कोई जवाब नहीं देती। जब जिंदगी तुम्हें कोई जवाब नहीं देती, मेहरबानी नहीं करती, सवाल बनाना छोड़ दो।
तुम्हारी तरह मैं भी जिंदगी से थका हुआ था और ऐसे ही एक दिन भटकते भटकते गोवा पहुंचा। आई वॉज कन्फ्यूज और मैं सोच रहा था कि मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। और इसी दौरान एक दिन बीच पे चलते चलते आई मेट सूरज, नेपच्यून होटल के मालिक, बहुत ही अच्छे आदमी। और बात करते करते मुझे पता चला कि उनको एक बार्टेंडर की जरूरत है। बहुत सा काम किया जिंदगी में, पिया, कभी बार्टेंडर नहीं बना। मैंने सोचा व्हाई नॉट, लेट्स गिव इट अ ट्राई। मैं बहुत ही सीरियस आदमी रहा हूँ, लेकिन बार्टेंडिंग करते करते आई मेट माई ट्रू सेल्फ। मैं हंसने लगा, मैं डांस करने लगा, लोगों को मिलने लगा, बहुत अच्छा लगा। आई एंजॉयड माई सेल्फ। यू नो समथिंग, मेरा तो टाइम ऑफ हो गया टिया, मुझे गोवा से निकलना है। तुम मेरी पोजीशन क्यों नहीं लेती हो? बिकम अ बार्टेंडर, हो सकता है ये तुम्हारा सोल्यूशन है। भैया एयरपोर्ट पे जाने में कितना टाइम लगेगा? मतलब करीब 45 मिनट लगेगा। प्लीज जल्दी चलिए, मेरी 6:30 की फ्लाइट है। प्लीज 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 थोड़ा जल्दी चलिए। जरूरी काम था, वो तेरा दोस्त है ना, स्मगलर फ्रेंड, गोवा में ही रहता ना वो। हाँ उसका नंबर देगी जरा। औरत आदमी को कभी समझ ही नहीं सकती, दे आर सो स्टक अप विद देयर ओन परसेप्शंस। सोचती है बस वही सही है, बाकी सब गलत है। जब हम उनके नजदीक जाते हैं तो हमें दूर भगाती है। और अगर हम 4-5 दिन उनके नजदीक ना जाएं तो उसका मतलब बाहर मुंह मार रहे हैं। Place is in a man's heart, not on his head. Equal is good, more than equal is not acceptable. And this is what women of today are trying to do. They want to be not your equal, they want to be more than equal. Ram aage rahe to hi theek rehta hai. Kabhi kisi photo mein dekha hai Sita aage chal rahi hai aur Ram piche chal rahe hain? Tumhari family mein to ye chal raha hai. गलत नहीं कर रहे हैं तो यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड से दिस इज व्हाट आई एम, टेक मी और लीव मी। आदमी जो है ना बेसिकली डिजाइन्ड बाय नेचर है टू सो हिज सीड्स इन एज मेनी वुमेन एज पॉसिबल बिकॉज नेचर वांट्स टू परपेचुएट इटसेल्फ थ्रू द मैन। यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ, राइट? यू हैव टू बी अ मैन, यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। एक तरफ तो तुम्हारी फिजिकल नीड्स नहीं हो रही हैं पूरी, ऊपर से तुम्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है।
वो अपना फर्ज निभा नहीं रही, तुम जब अपना फर्ज निभाने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें भी वो कॉपरेट नहीं करती, तो तुम बनो योगी और कहलाए जाओ भोगी। Maria, you know, call me 2 days. I mean, I'm so sorry. No sorry. I need to go back hotel now. Now? Now, okay? Okay? Okay. Bye. क्या सोचती है? यही सोचती है ना कि बाहर से जो आ रहे हो तो कहीं लगा के आ रहे हो, यही सोचती है ना, इसलिए तो टॉर्चर करती है। और तुम टॉर्चर सहते हो, और अगर टॉर्चर सह रहे हो, बिना लगाए सह रहे हो, तो लगा के सह लो, कम से कम कुछ तो तसल्ली होगी कि हाँ भाई लगा के आए तो सुनना पड़ेगा। यो Oops. सर, आप सर यहाँ? I can't believe it, sir. तुम वो थप्पड़ अच्छा मारती हो। सर, सर आपसे बहुत सारी बातें करनी है सर, आप प्लीज मेरे साथ चलिए ना। प्लीज सर, प्लीज आइए ना सर। थैंक यू, थैंक यू। वाओ, क्या करती हो तुम यहाँ पे? सर, मैं यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। Wow. मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा सर, आप मेरे सामने बैठे हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। अरे, मेरी फैन? हाँ। क्या बकवास कर रही हो? आई एम नोबडी। क्या बात कर रहे हैं सर, आप और मामूली, यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन फाइनेंस। सर, मार्केट में खबर थी कि आप प्राइम मिनिस्टर के फाइनेंशियल एडवाइजर होने वाले हैं, और सर आपने वो ऑफर ठुकरा दिया। सर, दिस इज गट्स। तुम गोवा में क्या कर रही थी? सर, गोवा में आप ही को ढूंढते ढूंढते आ गई। पहले मैं बैंगलोर गई, फिर ढूंढते ढूंढते किसी ने बताया कि आप गोवा में हो, तो मैं आपको खोजने के लिए गोवा में आ गई। मुझे ढूंढते ढूंढते तुमने मिकी को कैसे ढूंढा? हाउ डू यू नो मिकी? और उसके साथ दो लड़के भी थे, एक तो बड़ा अच्छा था, टॉल एंड हैंडसम, और तुमने जोर से थप्पड़ मारा उसको। तुम जानती हो उन लोगों को? नहीं सर। I'm sorry, मैंने कोई गलत बात कह दी। कोई गलत बात नहीं कही सर। फिर थप्पड़ क्यों मारा उसको? सर, जैसे थप्पड़ मारा वो मेरा पति है सिड, और जिसकी बात कर रहे हैं आप मिकी, वो उसका फ्रेंड है। हमेशा उसकी शक की जो घड़ी है हमेशा चलती रहती है। मैं कुछ गलत नहीं करता यार, कुछ आई मीन मेरे एक दोस्त है मिकी, उसके साथ अगर मैं आई मीन इफ आई फील हैप्पी, अगर मुझे वहां पर थोड़ी सी खुशी मिलती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? She just can't see me happy यार। हमको भी थोड़ा टाइम चाहिए यार। अगर मैं दोस्तों के साथ बैठा हूं तो उसमें उसमें क्या बुराई है? लेकिन उसके दिमाग में तो बस कुछ गलत करके आया हूं मैं, कुछ ना कुछ गलत किया है। फिश।
एक बात बताओ, तुम मुझे ढूंढ क्यों रही थी? सर आपसे क्या छुपाना सर, सर पिछले 6 महीनों से हमारी कंपनी ने कोई बिजनेस नहीं किया है सर, बड़ी बड़ी डील्स आती हैं ऐसे हमें नहीं मिल पाती सर, ऐसा नहीं है कि हमारी कंपनी में काबिलियत की कोई कमी है, द ओनली प्रॉब्लम विद आवर कंपनी इज देयर इज नो बिग नेम अटैच्ड टू इट, और सर अभी एक आइकॉन की डील आई है, इट्स अ ह्यूज डील सर, और हमारी कंपनी को आप जैसा बड़ा नाम हमें मिल नहीं सकता सर, सर आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, प्लीज सर आप हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ज्वाइन हो जाइए सर, फिर आइकॉन डील क्या हम बड़ी बड़ी डील्स विल जस्ट वी क्रैक लाइक दैट, और वो मिस्टर पटेल जो इस कंपनी को बेचना चाहते हैं वो भी किसी बेवकूफ के हाथ सर, वो भी आइडिया छोड़ देंगे सर, प्लीज सर मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, प्लीज मान जाइए प्लीज। कुछ समझ आया? I mean, did you understand anything? Yes, understands. What? You mayn't. Sua esposa. Sua esposa? Wife. No good. Is he off? Jesus, so 1 minute, sir. मैं खिड़की खोल सकता हूँ? Sure, sir. कुछ बाहर की हवा? Sure. Wow, nice view. Yes, sir. I'm the man who's back your company. मेरी एक बीवी है. She's a foreigner. हमारी एक बेटी है जिसने अभी भी अपने MBA पूरा किया है. She's a student of finance. मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ सेटल हो जाए इंडिया में. I'm sorry, Vinny. पता है सर, मेरा एक सपना था बचपन से कि अपना घर होगा, खुद का घर. जब ये कंपनी ज्वाइन की मैंने तो मुझे लगा कि मेरा सपना पूरा होने जा रहा है. मैंने 1 करोड़ का लोन ले लिया, 80 लाख बैंक से लोन लिया, मेरे पास खुद का कोई पैसा तो था नहीं, सोचा कंपनी से पैसे ले लूं, अपनी काबिलियत के दम पर मुझे 20 लाख का लोन कंपनी ने भी दे दिया. मुझे लगा मेरा सपना पूरा हो रहा है, अपना घर अपनी छत, कितना अच्छा था सबसे. अब लग रहा है सर ये सपना
मेरा टूट रहा है सर, कुछ नहीं बाकी रहा। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कुछ भी कंपनी खरीद सकते हैं, कोई भी कंपनी खरीद सकते हैं, निदास टच प्लीज छोड़ दीजिए सर। तूने माल टाइम पे पहुंचा दिया, बॉस बहुत खुश है। हिसाब बराबर। सर दिस इज नॉट अ बिग डील फॉर यू सर, सर मैं इस कंपनी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, यू नो दैट सर, प्लीज इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी। Sorry? Camisinha. Você não tem camisinha? Camisinha? Camisinha. Todo homem usa. Sorry. I mean, camisinha? Oh, condom. Yeah, condom. Don't have. Brincadeira. Você não tem. You wait. I go and come back. You wait here. I go and come back. Okay. Okay. आज तक जो भी मैंने हासिल किया है अपने दम पर, अपने बलबूते पे हासिल किया है। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं लिया मैंने ये सब हासिल करने के लिए इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। मैंने कभी लड़की होने का फायदा नहीं उठाया, मैं चाहती तो कर सकती थी। आई लव माई जॉब अ लॉट सर, एंड आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, बट टू सेव माई जॉब I'm not going to sleep with you, sir. Pick up the phone. Hello, Jeez. Jeez, I want to meet you. What happened? I just want to meet you. Come down to my parlor. Abhi? Haan, abhi. It's urgent. Kya agenda?
बस आ जाओ, बस आओगे तो बताऊंगी, आप जल्दी आओ। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूं। रिनी, आई एम सॉरी। तुम्हारे मेरे समस्या का कोई समाधान नहीं, वी कांट कंटिन्यू। तुम्हें समझ लेना चाहिए कि मेरे जैसा आदमी जो अपने बलबूते पे खड़ा हुआ है तुम्हारी तरह, एक बार वो सोच लेता है कि वो कंपनी खरीदेगा तो समझ लो कंपनी खरीद ली है। पटेल इज आउट। 250 crores इज शिट मनी यार। कंपनी मेरी हो चुकी है। हो क्या रहा है यार, आप दोनों के बीच में क्या होता रहता है? कभी वो गुस्से में आती है, कभी आप गुमसुम निकल जाते हो कहीं से। Why are things going wrong between you all? तुम्हारी दीदी का गुस्सा 24/7 उनकी नाक पर रहता है, so there is nothing special. आपको पता है उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं? That is the urgent thing. Yeah. I have a suggestion. तुम इस समस्या में हो कि तुम, if you want to, तुम चाहती हो वो help करने के लिए। Why don't you join me? मेरी कंपनी में? No. I don't want to sleep with me. No. No? Not as vice president. President. What? क्योंकि मेरी एक वाइस प्रेसिडेंट थी इसके पहले, बड़ी नटखट लगती थी, वो समझती थी कि मुझे सोना है उसके साथ में, निकल गई। Sir, I know what you're talking about. Sir, I will. It's not a favor, याद रखो। मैं कोई मेहरबानी नहीं कर रहा तुम्हारे ऊपर। विनी, करोड़ों लोग यहाँ घूम रहे हैं सब स्टॉक एक्सचेंज के बाहर, सब में क्वालिफिकेशन है। पर तुम बिकाऊ नहीं हो। मैं बिकाऊ नहीं हूँ, आई लाइक दैट। यू हैव इंटेग्रिटी लाइक मी। वेलकम टू माय कंपनी। थैंक यू सो मच सर। आपको पता है दी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो बस आपको जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। That's Dutch. That's Dutch? Yeah. Company my father.
Maria, I'm so sorry. I can't really do this. I really have to go. Okay, bye. Sorry. Bye. Is everything okay in the office? Yeah. How are you so concerned? I mean, you've never been so concerned about me. Mari aur uske daddy tumhari company khareedne wale the. Maria. Who told you all those things? I never told you. Mall mein mila tha usko. She was asking for some direction. So I just helped her. Direction? Yeah. Tum direction de rahe the aur usne bata diya ki wo company khareed rahi hai. She even doesn't know the language. कितनी बार मिले उससे? दो बार? तीन बार? चार बार? होटल भी गए होगे? वहां का भी डायरेक्शन बताया होगा, करेक्ट? I don't fucking care now. What do you want? Go ahead, you have fun. You wanna fuck around? Go ahead, fuck around. You're free. Completely free from me.
किसका वॉइस है? पहुंचाओ थाईलैंड। मेरा बाप कस्टम्स में बैठा है क्या? सेवन डेज है कि लियो। मैं तो खलास हो गया मैंने दो दिन में। सत्तार भाई, आपसे एक काम था। हाँ, थोड़ा बहुत जरूरी काम था। आप क्या गोवा एयरपोर्ट पे आधे घंटे के लिए आ सकते हैं प्लीज? हेलो मैडम, आपका माल बैंकॉक पहुंच गया है।